नमस्कार, मैं जयशाह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकर आया हूं आपके लिए एक खास पेशकश। भारत की पहली महिला अध्यापिका कौन थी? क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली महिला टीचर कौन थी? नहीं जानते हैं तो हैरानी की बात है। 18वीं सदी में वह पूरी धमक पूरी ताकत के साथ मौजूद थी। सबके ताने और हमले सहते हुए महिलाओं बच्चों को पढ़ा रही थी, फिर भी इतिहास में उनका नाम धुंधला क्यों है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले की। भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र स्थित सतारा के गांव नया गांव में हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने और उनके अधिकारों की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। आज से करीब 150 साल पहले फूले ने महिलाओं को भी पुरुषों की तरह ही समान अधिकार दिलाने की बात की थी। फूले ने सिर्फ महिला अधिकार पर ही काम नहीं किया, उन्होंने कन्या शिशु हत्या को रोकने के लिए भी खास तौर पर काम किया। उन्होंने न सिर्फ अभियान चलाया बल्कि नवजात कन्या शिशु के लिए आश्रम तक खोला ताकि उन्हें बचाया जा सके। 1 जनवरी 1848 से लेकर 15 मार्च 1852 के दौरान सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने बिना किसी आर्थिक मदद और सहारे के लड़कियों के लिए 18 विद्यालय खोले। उस दौरान में ऐसा सामाजिक क्रांतिकारी की पहल पहले किसी ने नहीं की थी। इस शिक्षा के केंद्र में से एक 1849 में पूना में ही उस्मान शेख के घर पर मुस्लिम स्त्रियों व बच्चों के लिए खुला था। सावित्रीबाई अपने विद्यार्थियों से कहा करती थी, कड़ी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा काम करो। विद्या को श्रेष्ठ धन बताते हुए वह कहती हैं, विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। सावित्रीबाई फूले जिन स्वतंत्र विचारों की थी उनकी झलक उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से मिलती है। वे लड़कियों के घर में काम करने चौका बर्तन करने की अपेक्षा उनकी पढ़ाई लिखाई को बेहद जरूरी मानती थी। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सावित्रीबाई फूले ने विधवा विवाह की परंपरा शुरू की और सत्यशोधक समाज द्वारा पहला विधवा पुनर्विवाह 25 दिसंबर 1873 को संपन्न किया गया था और यह शादी बाबूबाई निमंकर की पुत्री राधा और सीताराम जबाजी आलहट की शादी थी। 1876 व 1879 में पूना में अकाल पड़ा था, तब सत्यशोधक समाज ने आश्रम में रहने वाले 2000 बच्चों और गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। 18 नवंबर 1890 को बीमारी के चलते ज्योतिबा की मृत्यु हो गई। ज्योतिबा के निधन के बाद सत्यशोधक समाज की जिम्मेदारी सावित्रीबाई फूले ने अपने जीवन के अंत तक किया। 1893 में सासवाड़ ने आयोजित सत्यशोधक सम्मेलन की अध्यक्षता सावित्रीबाई फूले ने की थी। वहां उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि दलित महिलाओं और पिछड़े दबे लोगों में आत्मसम्मान की भावना का संचार हुआ। आपको बता दें कि सावित्रीबाई क्यों एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी कीचड़ गोबर तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदल लेती थी। सावित्रीबाई फूले ने उस दौर में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जब बालिकाओं को पढ़ाना लिखाना सही नहीं माना जाता था, खासकर दलित बालिकाओं को पढ़ने पर मनाही था। उनका पूरा जीवन समाज के वंचित तबके खासकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसमें वह सबको पढ़ने लिखने की प्रेरणा देकर जाति तोड़ो और ब्राह्मण ग्रंथों को फेंकने की बात करती हैं। 1897 पुणे में प्लेग की भयंकर महामारी फैल गई
प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मौत हो रही थी, उस समय सावित्रीबाई फूले ने अपने दंतक पुत्र यशवंत की मदद से एक हॉस्पिटल खोला। वे बीमार लोगों के पास जाती और खुद ही उनको हॉस्पिटल लेकर आती थी। हालांकि वो जानती थी कि ये एक संक्रामक बीमारी है, फिर भी उन्होंने बीमार लोगों की सेवा और देखभाल करना जारी रखा। किसी ने उन्हें प्लेग से ग्रस्त एक बच्चे के बारे में बताया तो उस गंभीर बीमार बच्चे को पीठ पर लादकर हॉस्पिटल लेकर आई। इस प्रक्रिया में है महामारी उनको भी लग गई और 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फूले की इस बीमारी के चलते निधन हो गया। अंत में सावित्रीबाई फूले की शिक्षा पर लिखी मराठी कविता का हिंदी अनुवाद हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर बनो मेहनती, काम करो ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब हो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। दमितों और त्याग दिए गायों के दुखों का अंत करो, तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को